हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पे। मैं आज आप लोगों के लिए ये लेके आया हूँ यामाहा का PSR i500। इसका हम अनबॉक्सिंग करके देखेंगे। ये जो है प्योर अनबॉक्सिंग नहीं रहेगा, आपको जो इसमें मिलने वाले प्रोडक्ट्स को दिखाया जाएगा यहाँ पे इस वीडियो में, क्योंकि ये कोई नया मॉडल नहीं है। 2019 या 20 पे ये जो मॉडल लॉन्च हुआ था, आपको प्योर इसका अनबॉक्सिंग के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। मैं आपको आज इस वीडियो में इसके जो टोन्स है, रिदम्स है, वो आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके टोन्स की जो डेप्थ क्या है, ठीक है। इस वीडियो के बाद इस कीबोर्ड से रिलेटेड और भी एक दो वीडियोस आएंगे, जिसमें हम बड़े कीबोर्ड के जो टोन्स हैं, जो प्रोफेशनल कीबोर्ड्स हैं, उसके टोन के साथ इसको कंपेयर करके देखेंगे इसके टोन्स को। तो ये जो कम्प्लीटली आप समझ सकते हैं, ये जो वीडियो है इसके जो फंक्शंस और जो है टोन्स के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको अभी इसके बॉक्स ओपन करने के बाद दिखाता हूँ कि इसके अंदर किस टाइप से पैकेजिंग आती है इसकी, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ साइड में आपको वारंटी कार्ड मिल जाएगा इसमें, है ना। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कीबोर्ड किस तरीके से यहाँ निकल के आता है। अगर आप इसको बॉक्स से ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की इसमें पैकेजिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसके साथ आपको अडाप्टर भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है सबसे पहले हारमोनियम का आवाज़, हारमोनियम 001 पे है, ठीक है। इसका जो डिफ़ॉल्ट टोन्स है, आप कीबोर्ड चालू करोगे तो हारमोनियम ही आएगा, ठीक है। हारमोनियम 1, देखिए इसका साउंड। हारमोनियम 1, ठीक है। फिर हारमोनियम 2 भी है, सेकंड हारमोनियम। ये वाला हारमोनियम थोड़ा ज्यादा अच्छा है, ओरिजिनल लग रहा है ना। हारमोनियम 3 भी है। हारमोनियम 3, अब जो है बांसुरी का आवाज सुनते हैं। बहुत ही प्यारा है, स्लो बांसुरी है, ठीक है। स्लो, धीरे से स्टार्ट हो रही है। बांसुरी 1, देन ये बांसुरी 2, बांसुरी 2 का साउंड है ये।
देन सितार है। देन ये संतूर का साउंड है। तानपुरा भी अगर आपको रियाज वगैरह करना है ना तो तानपुरा बहुत अच्छा है। ये सब बैंजो दिए हुए देखिए। तो ये सब जो है इंडियन टोन्स इस पे मेन दिए हुए हैं। अच्छा है, इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छा टोन्स है। ठीक है, आप इसको प्रिफर कर सकते हो। अगर आपके पास ये लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच आपको मार्केट पे मिल जाएगा तो इस रेंज पे बहुत ही अच्छा साउंड है इसका। मुझे सबसे अच्छा टोन जो लगता है वो है पियानो का। ठीक है, ग्रैंड पियानो बहुत ही अच्छा है इसका। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही अच्छा ये कीबोर्ड है, आता है आप लोगों के लिए, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं अगर आपका बजट 20 से 25 हज़ार के बीच है। ओके, थैंक यू।